अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर गुड. आई एम ऑल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. चैप्टर नंबर 3 का नेम है बायोडाइवर्सिटी. वी डन विद द चैप्टर नंबर 1, वी डन विद द चैप्टर नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह. नाउ वी आर मूव टूवर्ड्स द चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी. तो बेसिकली चैप्टर का नेम है बायो. बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी का बेसिकली हमारे पास मतलब होता है कि स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स. मीन्स लाइक इन द स्टाइल ऑफ रिपोर्ट्स अ रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स. ठीक है, इसमें हम लाइफ को जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स में पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी में किस किस तरह की हमारे पास बायो से रेलिवेंट चीज़ें हैं जिसके अंदर जो है हम उसकी रेंज को डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, और वो हमें किस किस तरह से किस किस जगह पॉपुलेशन लेवल से या फिर इंडिविजुअल लेवल से कनेक्ट करता है. सो लेट्स स्टार्ट. एटलीस्ट 10 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेबिट द अर्थ. एटलीस्ट 10 मिलियन ऑफ 10 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेबिट द अर्थ, बट लेस देन 1/3 ऑफ दीज हैव बीन स्टडीड बाय अ बायोलॉजिस्ट. 10 मिलियंस हैं ऑर्गेनिजम्स, लेकिन बहुत कम 1/3 जो है ना इसका उस सिर्फ उसके बारे में ही बायोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी कर पाए हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी अमंग द स्टूडेंट्स पीपल और अर्थ ऑर्गेनिजम्स इज मोर ऑब्वियस देन द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ. आप डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक वाइड रेंज के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो किसी भी स्पीशी को लेके, किसी भी ऑर्गेनिज्म को लेके. तो उसकी हमने डाइवर्सिटी को चेक करना है. ठीक है, और बेसिकली ये हमारे पास एक फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ बन जाती है. आप एक लाइफ को, एक यूनिटी ऑफ लाइफ को डिस्कस करते हो डाइवर्सिटी में. ठीक है, वी सी ऑल द ऑर्गेनिजम्स शेयर मैनी बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स. हम देखते हैं कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं. Biodiversity. The term biodiversity has been derived from the bio and diversity. Diversity means variety within a species and among species. Variety आपने चेक करनी है species के साथ और species के अंदर. ठीक है, Biodiversity is the measure of the variety of organisms present in different ecosystems. Biodiversity हमारे पास basically एक measurement है जिसमें हम लोग organisms की variety को check करते हैं. हमारे ecosystem में बहुत डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं, बहुत डिफरेंट किस्म की स्पीशीज़ रहती हैं, बहुत डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. तो हमने हमारे इस डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को देखना है और उनकी बेसिकली उनको मेजर करना है या उनकी हर चीज़ को डिस्कस करना है कि उनका लिविंग स्टाइल क्या है, वो क्या करते हैं, वो कहाँ रहते हैं, कौन से ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं, उनका टेम्परेचर वहाँ पर क्या है, उनका फूड क्या है, उनका इन्वायरमेंट क्या है, उनके साथ जो स्पीशीज़ और रहते हैं उनका क्या इन्वायरमेंट है या उनका जो है वो इकोसिस्टम के साथ क्या रिलेशन है, ये सब कुछ. डाइवर्सिटी जहाँ हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स की बात कर ली है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की बात कर ली है, वहीं प्लांट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं. डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स फ्लोरा एंड एनिमल्स फौना. प्लांट्स को हम कहते हैं फ्लोरा और एनिमल्स को कहते हैं फौना. इन आर रीजन डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, सोइल्स, आर द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज. डाइवर्सिटी अगर हमने चेक करनी हो प्लांट्स और एनिमल्स की तो उसमें क्या है, हमने यही बेसिकली डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वो किस रीजन में रहते हैं, वो किस एल्टीट्यूड में रहते हैं, वो कौन से सोइल में रहते हैं, वो क्या खाते हैं, उनका वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, ये सब कुछ डाइवर्सिटी होती है. ठीक है, इट इज़ रिचेस्ट इन ट्रॉपिक्स. टेम्परेचर रीजन्स आर ऑल्सो हैव मैनी स्पीशीज वाइल देयर आर फीवर स्पीशीज इन द पोलर रीजन्स. अगर हम पोलर रीजन्स को डिस्कस करें तो उसमें क्या होती है, हमारे पास जो स्पीशीज़ होती हैं वो फीवर क्वांटिटी में होती है. फीवर मींस लेस क्वांटिटी में होती हैं. और हमने ये भी देखना है टेम्परेचर रीजन्स को अगर हम डिस्कस करें, बेसिकली उस टेम्परेचर रीजन्स में जो है वो ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं एनिमल्स, और जो प्लांट्स या हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो टेम्परेचर रीजन्स में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीवर और पोलर रीजन्स. Now we are going to discuss the importance of biodiversity. Importance of biodiversity के बारे में हम discuss करने लगे हैं. Basically इसमें हमारे पास questions बहुत ज़्यादा बन सकते हैं. ठीक है, अगर हम इस पर questions बनाने के लिए आएँ, short हो या long हो, there is many type of questions you can make from it. ठीक है, now we are going to discuss the importance of biodiversity. Number one is biodiversity provides for humans. ठीक है, अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द ड्रग्स विच आर डिराइव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द बायोलॉजिकल सोर्सेज. आप जितने भी बायोलॉजिकल सोर्सेज हैं, या तो से डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, बोथ वेज से जो है आपके पास एक प्रोपोर्शनली हमारे पास प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आता है. ठीक है,
या तो आप उसको डायरेक्टली भी आपके पास आ सकता है और इनडायरेक्टली भी आ सकता है. इट जस्ट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि वो उस टाइम सिचुएशन क्या है या आप किस चीज़ या किस स्पीशी के बारे में पता करना चाह रहे हो. ठीक है, नंबर थ्री इज़ अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटीरियल्स. हर चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए यू मस्ट नीड अ समथिंग. ठीक है, इसी तरह इसमें भी इंडस्ट्रियल मटीरियल्स का यूजेज होता है, जिसमें हमारे पास बिल्डिंग मटीरियल्स आ जाते हैं, फाइबर्स, डाइज, डिजाइंस, गम्स, एडहेसिव, रबड़ एंड ऑयल आ जाता है. ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी में, क्योंकि कभी कभार हम लोग एक स्पीशी को देख के फिजिकली अपीयरेंस से या क्लाइमेट के हिसाब से उसका जो है वो एक एल्टीट्यूड नहीं निकाल पाते, इसलिए हम लोग उसकी जो विदन स्पीशीज़ होती हैं यानी कि उसका विदन इन्वायरमेंट चल रहा होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि उसके आसपास ऐसा क्या है और वो ये चीज़ें जो है वो कौन से इन्वायरमेंट में यूज़ हो रही हैं. ठीक है, नंबर फोर, दे आर डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स. ठीक है, ये डायरेक्टली प्लांट्स से जो है वो डिराइव होती हैं. नंबर फाइव, बायोडाइवर्सिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम. बायोडाइवर्सिटी एक तो मेंटेन भी पहले तो वो मेक करता है. ठीक है, यानी कि वो पहले इकोसिस्टम बनाता है. ठीक है, जब बन जाता है फिर उसको मेंटेन भी रखता है. ठीक है, इट प्लेज, नंबर सिक्स, इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमोसफेयर एंड द वाटर सप्लाई. ये हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में हमारी एक केमिस्ट्री है ना, बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स हैं, तो ये सब कुछ केमिस्ट्री का जो है वो एक बेसिक रोल है जो कि केमिस्ट्री रेगुलेट कर रहा है. और वाटर सप्लाई, ठीक है, वाटर की भी सप्लाई को जो है ये रेगुलेट कर रहा है. हमने अभी तक जो पढ़ा है वो है बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, और हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. After finish my lecture, I will repeat everything. ठीक है, next topic is classification, aims and principles. क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स भी ऑब्वियसली हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे. देयर इज़ अ नंबर वन, देयर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन द अर्थ. अब एक अर्थ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज है, कोई भी सिमिलर नहीं है, एवरीथिंग इज़ डिसिमिलर. एक स्पीशी के काउंटलेस जो है वो फर्दर स्पीशीज तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्पीशी रहती है यहाँ पर. डिफरेंट स्पीशीज हैं, दे आर डिसिमिलर, उनके फंक्शंस, उनकी क्लासिफिकेशंस आर आल्सो डिफरेंट. तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज जो है वो लार्ज नंबर में हमारे पास अर्थ पे होती हैं. नंबर टू इज़ ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ द एनिमल्स. 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नोन टू बायोलॉजिस्ट एंड दीज आर ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल टाइप्स एस्टिमेटेड टू लिव. जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि अगर हमारे पास 10 मिलियन है ऑर्गेनिज्म्स के, 10 मिलियन ऑर्गेनिज्म्स जो हैं वो हमारे पास अर्थ पे हैं, लेकिन उसमें से बहुत 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 फीवर किस्म के जो ऑर्गेनिज्म्स हैं ना, सिर्फ बायोलॉजिस्ट उसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इतनी वास्ट रेंज है. अल्लाह ताला ने इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स, इतनी ज़्यादा स्पीशीज इस दुनिया में बनाकर भेजी हैं कि इनको हर एक स्पीशी को पढ़ना, समझना, इट्स जस्ट कम्प्लीटली आउट ऑफ द साइंस. ठीक है, ये सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत ही जान सकती है कि कितने बहुत से ऐसे स्पीशीज अभी भी इस दुनिया में हैं जिसके बारे में बायोलॉजिस्ट जो है या साइंटिस्ट जो है वो पता नहीं लगा सके, या कुछ ऐसे हैं जो कि इंडेंजर्ड हो चुके हुए हैं, या कुछ ऐसे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हुए हैं जिनके बारे में शायद हमें पता लगने से पहले ही उनकी स्पीशीज ख़त्म हो चुकी हुई हैं. ठीक है, इसी तरह 1.5 मिलियन एनिमल्स और 0.5 मिलियन जो प्लांट्स के बारे में ही सिर्फ बायोलॉजिस्ट डिस्कस कर सके हैं वो, और ये भी बहुत ही स्मॉल अमाउंट है इस पूरे वर्ल्ड में जो कि डिस्कस कर चुके हैं वो. ठीक है, अभी बहुत से ऐसे स्पीशीज हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं. नंबर थ्री, दे रेंज इन कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स. बेसिकली हमारे पास एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारे पास, जिसमें स्मॉल और सिंपल बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है, उनको हम लार्ज और टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स. सबसे पहले वो एक स्मॉल और सिंपल से बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन फर्दर वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स जो वो ह्यूमन बींग्स में चले जाते हैं. यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि बैक्टीरिया जो वो ह्यूमन बींग्स बन जाते हैं, इसका ये मतलब है कि एक स्मॉल चीज़ को आप पहले कॉम्प्लेक्सिटी होती है, आप वन बाय वन उसको सॉल्व करते हो, तो वो स्मॉल रेंज से लार्ज रेंज में जाती है. ठीक है, नंबर फोर इज सम ऑफ देम लिव इन द सी एंड सम लिव ऑन द लैंड, सम वॉक, सम फ्लाई एंड स्किल, अदर्स आर स्टेशनरी. इसमें बताया कि कुछ इंसानी चीज़ें, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कुछ सी में रहते हैं, हम कुछ लैंड में, कुछ चलते हैं
they walk on the ground or on the floor or on the soil, and some are flies, which are birds and butterflies and everything, and some and still still others are stationary. और कुछ ऐसे भी organisms हैं इस दुनिया में जो कि stationary हैं. They don't even live in sea, land, walk or fly. लेकिन बहुत वो stationary हो चुके हैं, ठीक है? They can't even move, but they exist, they live, they breathe. ठीक है? Each has its own life that is getting food, avoiding unfavorable environmental conditions. जिस तरह अगर हम species की बात करें, कुछ sea, fly, walk ये सब कुछ करती हैं, तो उनका environmental condition भी जो है वो एक दूसरे से different है, ठीक है? वाटर में आपको और टेम्परेचर चाहिए होता है, जो फ्लोर पे या सॉइल पे चलते हैं उनका और टेम्परेचर होता है, ठीक है? इसी तरह हर स्पीशीज को ज़िंदा रहने के लिए दे मस्ट नीड फूड एंड वाटर. तो ये एक रिक्वायरमेंट है एक ज़िंदा रहने के लिए, उनकी लाइफ को चलाने के लिए. नेक्स्ट इज़ नंबर 5. व्हेन देयर आर सो मैनी डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच. हमने बार बार एक ही चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि जिस तरह बहुत से ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और उनकी डाइवर्स रेंज है हमारे पास, ठीक है, तो इट बिकम्स बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आप हर एक स्पीशी को उठा के उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखो, उसकी करेक्टरिस्टिक को डिस्कस करो. मेनली ऐसा भी होता है कि एक स्पीशी में अगर 9 करेक्टरिस्टिक्स हैं तो जो उसी की सेम स्पीशी को आप उठा लो तो उसमें आपको 10 करेक्टरिस्टिक्स भी मिल सकती हैं, ठीक है? तो इट जस्ट कम्प्लीटली डिपेंड्स. तो हम एक हर एनिमल का या हर स्पीशी का ओवरव्यू कर लेते हैं कि ठीक है, इसके अंदर ये सब कुछ नॉर्मल है जो कि हर स्पीशी में होता है, ठीक है? तो इट्स कम्प्लीटली यू नो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म. नंबर 6. To study such a large collection, biologists classify organisms into groups and subgroups. एक लार्ज कलेक्शन को डिस्कस करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया. जिस तरह अभी हमने बात की है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स प्लांट्स हैं और उनकी स्पीशीज हैं कि तो हम हर चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते, तो हम ऐसे क्या करते हैं कि हर स्पीशी में से थोड़े थोड़े से ऑर्गेनिजम्स ले लेते हैं या ऑर्गेनिजम्स में से थोड़ी थोड़ी स्पीशीज दे लेते हैं और उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बना देते हैं, फिर हम उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो इसी तरह बायोलॉजिस्ट ने भी ऐसे किया, दे क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, एंड फॉर दिस टास्क दे रिक्वायर सम सिस्टम. क्लासीफिकेशन तो हो गई, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड तो कर दिया, लेकिन हमें उसको चलाने के लिए प्रॉपर सिस्टम चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा तो वी कांट रन ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. नंबर 7. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू सब ग्रुप्स एंड ग्रुप्स. अभी हमने जो बात की ग्रुप्स और सब ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन तो हो गई, पर हमें एक सिस्टम एक मेथड चाहिए था, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ कर लिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मेथड यूज़ कर लिया, जिसमें बायोलॉजिस्ट डिवाइड कर देंगे हमारे पास ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को, एंड देन दे विल डिस्कस द नेक्स्ट उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनके फंक्शंस, उनका वे ऑफ लाइफ, उनका एनवायरनमेंट, उनका टेम्परेचर, एवरीथिंग, ठीक है? अब हमारे पास एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है. हमने क्लासिफिकेशन तो बता दी कि क्लासिफिकेशन इस वजह से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर दी है, ठीक है, उसका मेथड भी हमने बता दिया. अब बेसिकली इसका मकसद क्या होगा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. जो हमारे पास ब्रांच होगी बायोलॉजी की जो इस क्लासिफिकेशन के साथ डील करेगी उसको हम टैक्सोनॉमी कह देते हैं, यानी कि वो सिस्टम जिसके अंडर हमने ये सब कुछ करना है, उनको सब ग्रुप से ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो उसको हम नाम दे देते हैं एक टैक्सोनॉमी का, ठीक है. ब्रांच विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स. जिस तरह सिर्फ ब्रांच का नेम हमने टैक्सोनॉमी रख दिया, उसी तरह इस पूरे सिस्टम को चलाना, उसकी क्लासिफिकेशन देखना, उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखना, ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करना, उसको हम कह देते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है. द मेन एम्स ऑफ बोथ दीज ब्रांचेस आर टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज एंड अमंग द ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजीली टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स. आपने सिमिलैरिटीज़ के दरमियान में जो डिफरेंसेस को भी देखना है ना, ठीक है, और जो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स के दरमियान होंगे, ठीक है, दे कैन स्टडीड वेरी वेरी इजीली. हम आप इसको बहुत आसानी से क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है.
टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, यानी कि किस तरह के उनके टम्परेचर में, उनके लिविंग ऑफ स्टाइल में, उनके रिप्रोडक्शन में, ये सब चीज़ों में, वे ऑफ लाइफ में क्या रिलेशनशिप्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे इस क्लासिफिकेशन में. ठीक है, अब हमने पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. व्हाट इज दिस? द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. हमने सबसे पहले पढ़ा डाइवर्सिटी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, फिर हमने उसके एम्स पढ़े. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिस. हमने क्लासिफाई कर लिया ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में, फिर हमने उसको नाम दे दिया टैक्सोनॉमी का, फिर उसके अंदर जो हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे उसको सिस्टमैटिक्स का नाम दे दिया, फिर हमने उसके एम्स पढ़े कि उसके बेसिकली एम्स क्या हैं. ठीक है, रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं और डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या होता है, सम ऑर्गेनिजम्स आर क्लोजली रिलेटेड देन अदर्स. कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत क्लोजली एक दूसरे से जो है वो रिलेटेड होते हैं. ठीक है, यानी कि वो सेम स्पीशीज के नहीं है, बट दे आर इंटरलिंक विद ईच अदर, के उसकी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक दूसरे स्पीशी के साथ मिलती हैं. जैसे कि एग्जांपल, स्पैरोज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स. स्पैरोज और पिजन्स में क्या होगा, आप सबसे पहले तो उसकी कलर अपीयरेंस ही चेक कर लेंगे, क्योंकि क्रो ब्लैक कलर का होता है, पिजन जो है वो वाइट कलर का होता है. ठीक है, लेकिन दे आर इंटरलिंक विद ईच अदर, बोथ कैन फ्लाई, बोथ आर बर्ड्स. तो इनमें बहुत से जहाँ पर डिफरेंसेस की बात करें, कलर्स की या शेप की या फेस की या उनके ईटिंग स्टाइल की, लिविंग स्टाइल की, उसी तरह वहाँ पे सेम भी हैं कि ये बर्ड्स भी हैं और फ्लाई करते हैं एयर में. एंड दे ऑल्सो हैव विंग्स एंड फुट, एंड उनकी जो है वो आइज होती हैं, दे आर वेरी स्मॉल आइज. ठीक है, क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स देन टू इंसेक्ट्स. इसी तरह अगर स्पैरोज और पिजन्स में इंटरलिंक रिलेशनशिप है, तो इस स्पैरोज और पिजन्स में इंटरलिंक है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हम ऐसे मैं अगर सपोज ऐसे कह दूँ कि स्पैरो और इंसेक्ट्स जो हैं, कीड़े मकोड़े और जो स्पैरोज हैं हमारे पास, वो क्लोजली रिलेटेड हैं, ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं वो छोटे छोटे से होते हैं. पिजन बहुत बड़ा होता है, उसके विंग्स होते हैं, वो फ्लाई कर सकता है, इंसेक्ट्स फ्लाई नहीं कर सकते, वो हवा में नहीं उड़ सकते. तो इसीलिए स्पैरोज और पिजन्स तो इंटरलिंक हो सकते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स नहीं हो सकते उनके इंटरलिंक. इट मीन्स दैट द फॉर्मर हैव टू कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज. ठीक है, व्हेन बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, द सिमिलैरिटीज आर सीन इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स. तो आप सिमिलैरिटीज और जो उसकी डिसिमिलैरिटीज होती हैं ना, उनको आप देखना शुरू कर देते हो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में एंड स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट. जब आप कोई भी ऑर्गेनिज्म लेते हो ना, आप उन्हें उसको सब ग्रुप और ग्रुप में डिवाइड कर दिया, फिर आप उसके अंदर सिमिलैरिटीज़ देखते हो कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में और उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या है, फिर आप उसके स्टेजेस देखते हो डेवलपमेंट के, यानी कि उसने रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प की, उसने ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस किया, ये सब कुछ. ठीक है, मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड द अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू टैक्सोनॉमिस्ट. टैक्सोनॉमिस्ट को जो है वो मॉडर्न, जैसे जैसे साइंस जो है नेवर स्टॉप्स एज आई टोल्ड यू बिफोर, तो उसमें फर्दर जो है हमारे पास मॉडर्न जेनेटिकली जो चीज़ें आती रहती हैं वो इंफॉर्मेशन में, टैक्सोनॉमिस्ट की इंफॉर्मेशन को जो है वो और एडवांटेजेस देता है या और उसको बढ़ाता है. ठीक है, जिस तरह अब हमने टैक्सोनॉमी को पढ़ा, सिस्टमैटिक्स को पढ़ा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ा, अब हम लोगों ने पढ़ना है टैक्सोनॉमिक हायरार्की. टैक्सोनॉमिक हायरार्की टैक्सोनॉमी से ही रिलेटेड है. अब हम इसमें पढ़ते हैं कि इसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते क्यों हैं. ठीक है, इसमें होता क्या है. द ग्रुप्स इन टू ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सा. बेसिकली ये टैक्सोनॉमिक जो ग्रुप्स हैं हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के, उनको क्लासीफाई कर देते हैं, और क्लासीफाई जब हम उसको करते हैं तो उसको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, जिसको हम टैक्सा भी कह सकते हैं और सिंगुलर टैक्सॉन भी कह सकते हैं. ठीक है, द टैक्सा फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की. बेसिकली जो हमने पीछे पढ़ा के जो ग्रुप्स हैं हमारे पास, हमने उनको ऑर्गेनिजम्स हमने उनको सब ग्रुप्स और ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, उसको टैक्सोनॉमिक कहते हैं. इसको हम लोग टैक्सा भी कह सकते हैं और सिंगुलर टैक्सॉन भी. तो इसमें जो टैक्सोनॉमिक फॉर्मल लैडर जो होती है उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की. मैं फर्दर एग्जांपल्स डिस्कस करूँगी, आपको उससे जो आपका पॉइंट होगा वो क्लियर हो जाएगा. ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू फाइव किंगडम्स. जितने ऑर्गेनिजम्स हमारे पास होंगे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, हमने उनको फाइव किंगडम में डिवाइड कर दिया. ठीक है, ये सब कुछ हम खुद नहीं कर रहे, ये सब कुछ बायोलॉजिस्ट ने किया था उस वक्त जब वो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे. ठीक है, सो किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टैक्सॉन.
अब जब किंगडम को 5 किंगडम का नाम दे दिया उसको, तो इस वक्त किंगडम जो होगा वो लार्जेस्ट टैक्सोन होगा, क्योंकि उसके अंडर सारे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा. अगर एक जो बड़ी क्लासिफिकेशन 5 किंगडम बन गई है, उसके अंदर सब ग्रुप्स और ग्रुप्स बने, तो जो पहली क्लासिफिकेशन बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन बनी, हमने इसको लार्जेस्ट टैक्सोन का नाम दे दिया. तो जब उसको हमने डिस्कस किया, उसके अंदर स्मॉलर टैक्सा भी हैं, ठीक है, छोटे छोटे किंगडम्स भी हैं. एक पूरा 5 किंगडम का नेम दे के उसके अंदर छोटे छोटे किंगडम्स बना दिए हैं, जिसमें 2 किंगडम है, 3 किंगडम है, 4 और 5 किंगडम है. ठीक है, इस तरह हम लोगों ने, और उसमें जो है वो स्मॉलर टैक्सा जो है, इन द फॉलोइंग वे दे आर गोइंग टू डिस्क्राइब वन बाय वन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. हम वन बाय वन जो स्मॉलर टैक्सा जो है 5 किंगडम्स के अंदर कैसे डिवाइड हुआ है उसको बताएंगे. फाइलम होता है डिवीजन फॉर प्लांट्स एंड फंजाई. अ फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस. इसमें क्या है, प्लांट्स और फंजाई के बारे में पढ़ते हो उसकी डिवीजन को, और ये क्लासेस से रिलेटेड होता है. हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक आप देखेंगे. फाइलम में क्लास होगी, क्लास में ऑर्डर होगा, ऑर्डर में फैमिली होगी, फैमिली में जीनस होगी, जीनस में स्पीशीज होंगी. ठीक है, क्लास में अगर हम डिस्कस करें तो क्लास किसे बनती है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स. ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर वो होता है जिसमें ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज होती हैं. फैमिली क्या होती है, जिसमें ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा होता है या जीनस होता है. जीनस क्या होता है, आ जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज. रिलेटेड स्पीशीज क्या होती हैं, अ स्पीशीज विच इज कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स. एक सिमिलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने ये सारे सिमिलर टैक्सा को डिस्कस करना है, जिसमें फाइलम आ जाएगा, क्लास आ जाएगी, जिसमें हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा, फैमिली आ जाएगी, जीनस आ जाएगा और स्पीशीज आ जाएंगे. ये आपने एक ऑर्डर इसको याद कर लेना. जब हम फर्दर किंगडम्स को डिस्कस करेंगे तो आप उसको आप उसके ऑर्डर्स को अप्लाई करके देखेंगे कि इसमें पहले फाइलम की बात हुई है, फिर क्लास की, फिर ऑर्डर की, फिर फैमिली की, फिर जीनस और फिर स्पीशी की बात हुई है. ठीक है, द नेक्स्ट इज सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ 2 ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, हमने यहाँ पे एक सिंपल सी क्लासिफिकेशन करते हैं, ये एक बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए है. ठीक है, और इसमें जो है हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह उन्होंने टैक्सा, ह्यूमन और पी को डिस्कस किया. ठीक है, उन्होंने टैक्सा ले लिया. टैक्सा क्या है, सबसे पहले किंगडम आ जाता है, जो कि लार्जेस्ट टैक्सॉन है. ठीक है, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज. आपने ये ऑर्डर याद कर लेना और इसी ऑर्डर जो है आपने इसी ऑर्डर के मुताबिक इसको लिख लेना. ठीक है, किंगडम में हमारे पास ह्यूमन्स क्या करते हैं, एनिमेलिया आ जाएगा. ठीक है, और प्लांट्स आ जाएंगे, प्लांटी. फाइलम में कॉर्डेटा एंड मैग्नोलियोफेटा. क्लास में ममेलिया आ जाएंगे और मैग्रोलियोसीडा. ठीक है, ऑर्डर में क्या आ जाते हैं, प्राइमेट्स, फेबल्स. फैमिली में क्या आ जाएगा, होमिनिडे. और पी में क्या आ जाएगा, फेबिकाय. जीनस में हमारे पास होमो एंड पी में हमारे पास स्पिज्म. स्पीशीज, अब स्पीशीज के लिए हम बेसिकली ह्यूमंस के लिए एक नेम यूज होता है जिसको हम कहते हैं होमो सेपियंस. होमो सेपियंस ये इसका हमारे पास एक साइंटिफिक नेम है. ठीक है, एच फॉर होमो एंड सेपियंस. ठीक है, एंड पी के लिए, जो पी हमारे पास एक प्लांट हमने पी था, जिसमें हमने पहले उसका किंगडम याद कर लिया, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस. बेसिकली आपने टैक्सा को डिस्कस किया है एक ह्यूमन के अंदर और प्लांट के अंदर. ह्यूमन के अंदर वो एनिमेलिया होता है पहले. ठीक है, फिर वो फाइलम में आके कॉर्डेटा बन जाता है, फिर क्लास में ममेलिया, ऑर्डर में प्राइमेट्स बन जाते हैं, फैमिली में होमिनिडी बन जाते हैं, जीनस में होमो, और बेसिकली एंड में हमारे पास एक स्पीशी आ जाती है जो कि ह्यूमन की स्पीशी है, उसको बोलते हैं होमो सेपियंस. इसी तरह पी है, पी में पहले प्लांटी बनता है, फिर मैग्नोलियोफेटा बनता है, फिर मैग्नोलियोपसीडा बनता है, फिर फैबलीज बनता है, फिर फैबिकाय, फिर पीसम. और पी का जो साइंटिफिक नेम, यानी कि पी की एक स्पीशी हमारे पास एंड में बनती है, उसको बोलते हैं पी सेटिवम. क्या बोलते हैं, पी सेटिवम. ये आपने एज इट इज़ ह्यूमंस को याद कर लेना है, पी को याद कर लेना है. ठीक है, आपने आपको पता आना चाहिए कि ह्यूमंस में किस तरह से, किस ऑर्डर में हमारे पास चीज़ें आती हैं और पी में किस तरह से आती हैं. ठीक है, स्पीशीज़ बेसिकली क्या है, स्पीशीज़ आर द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. अ स्पीशीज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम. ठीक है, हमने आज जो है चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया है वो है बायोडाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी की डेफिनेशन डिस्कस की है, उसके बाद हमने इसकी ये बताया है कि
ये इतने वास्ट रेंज होती है कि आप हर स्पीशी को पकड़ पकड़ के उसको डिस्कस नहीं कर सकते, उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसकी क्लासिफिकेशन ही फाइंड आउट कर सकते। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को हम लोग फ्लोरा कहते हैं और एनिमल्स की फौना कहते हैं, ठीक है। फिर हम उसमें ये देखते हैं वो कौन से क्लाइमेट, एल्टीट्यूड और सॉइल में रहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि दे आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द बायोडाइवर्सिटी विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमोसफेयर। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखी, ठीक है, और फिर हमने क्लासिफिकेशन में ही ये बताया कि टेक्स क्या कहते हैं कि आपने इसको डिवाइड कर देना है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। फिर हमने एम्स में बताया कि जो आप क्लासिफिकेशन कर देते हैं उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। उसके अलावा जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है उसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं। उसके अलावा हमने इसके एम्स बताए, फिर हमने बेसिस बताए, जिसमें ये बताया बेसिक्स जो उसकी होती हैं क्लासिफिकेशन की वो बताएं कि स्पैरो पिजन तो इंटर रिलेटेड है लेकिन इंसेक्ट्स जो है वो स्पैरो पिजन से इंटर रिलेटेड नहीं है, यानी कि वो एक डिफरेंट स्पीशी है। फिर हमने टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में डिस्कशन की, जिसमें फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने टैक्सा का एक ऑर्डर लिख लिया। फिर हमने बताया कि ह्यूमन में वन बाय वन ही ऑर्डर कैसे अप्लाई होता है, या आपने एज इट इज़ याद कर लेना। अगर आपको एमसीक्यू में आया कि क्लास को ह्यूमन में क्या कहते हैं या क्या बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लास में ममेलिया में बनता है, क्लास में ममेलिया बनता है। और होमोसेपियन का साइंटिफिक नेम क्या है, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस या होमोसेपियंस किसे कहते हैं, ह्यूमंस को। और पी सैटिवम किसको कहते हैं, प्लांट ऑफ पी को, ठीक है। और आपने स्पीशीज की डेफिनेशन याद की, क्योंकि ऑल द हम ये सारा प्रोसीजर क्यों करते हैं, या उस वक्त बायोलॉजिस्ट ने ये सारा प्रोसीजर क्यों किया, कि उनको पता चल सके कि हमारे पास कौन सी स्पीशी बन रही है या उस स्पीशी को हमने क्या नाम देना। तो उसके लिए हम टैक्सा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि प्लांट्स में कैसे है और ह्यूमंस में कैसे है, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फर्दर, हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज को जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे विद डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग इसमें किंगडम्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उनको एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू बी एंड दिस लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, फ्रीली, फ्रेंकली, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, यू कैन आस्क मी, बिकॉज आई एम हेयर फॉर यू। और मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर को स्टार्ट करने का, वो हमेशा से यही है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, क्रैमिंग करके आगे जाना इट्स नेवर मेरे इस पूरे स्केड्यूल में है ही नहीं। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अभी से ही इन अ स्टूडेंट लाइफ, वो फर्दर जो है वो हर चीज़ को प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। I hope you will learn this lecture very well. Best of luck. Allah Hafiz.